हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आप लोगों को जो है ग्रेजुएशन, जिसको अंडर ग्रेजुएट बोलते हैं, ग्रेजुएशन के जो 3 इयर्स होते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल्स बताऊंगा। वीडियो पूरा जरूर देखिए। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स है जो ये डॉट है कि सर, हम टॉस का अभी इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया है, हम ग्रेजुएशन में कैसा अप्लाई करें, कहाँ पे अप्लाई करें, क्या हम रेगुलर अगर अभी अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या डेट चले जाएगी डिग्री की, दोस्त की डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ तेलंगाना की डेट चले जाएगी, तो हम कैसा अप्लाई करें। आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताऊंगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहले बात कर लेते हैं डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ तेलंगाना, जो दोस्त बोलते हैं ऑनलाइन में, जो है 6 मई 2024 से जो है स्टार्ट हो गया है, और ये फेस वन, फेस टू, फेस थ्री जो है पूरा लगातार अभी फेस वन स्टार्ट हो गया है। तो अगर टॉस इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है 13 जून तक आ जाएगा आप लोगों का, तो आप लोग फेस सेकंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 400 रुपीज इसका चार्ज है, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन की फीस है। अगर 13 जून तक आप लोगों का टॉस का इंटरमीडिएट का रिजल्ट नहीं आया है, 13 के बाद आया है, 25 जून तक आया है, तो आप लोग फेस थर्ड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ तेलंगाना में। ये जो दोस्त है ऑनलाइन, ये रेगुलर डिग्री कोर्स है, रेगुलर 3 इयर्स का कोर्स है, ये कोई ओपन डिस्टेंस नहीं होता है। काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये क्या ओपन डिस्टेंस कोर्स है क्या? ओपन डिस्टेंस कोर्स नहीं होता है, ये डिग्री जो है रेगुलर का कोर्स है, आपको रेगुलर जाना होगा, रेगुलर पंक्चुअलिटी अटेंडेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे, और इसके स्कॉलरशिप भी आपको मिलेगी, स्टेट की स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिलेगी। तो इंटरमीडिएट के जो भी रेगुलर स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो है मार्क्स मेमो ऑलरेडी इंटरनेट का अवेलेबल होता है, वो लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई यहाँ पे जो है मुश्किल की बात नहीं है। लेकिन टॉस के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि अभी तक टॉस का रिजल्ट नहीं आया है और डिग्री ऑनलाइन की, रेगुलर डिग्री की 3 इयर्स की जो है डेट आ गई है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, टॉस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे आप लोगों के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे दोस्त में अगर आप रेगुलर में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, आपका 25 जून 2024 से पहले, 25 जून से पहले अगर आपका टॉस का रिजल्ट नहीं आता है, वैसे तो आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप लोग जो है ओपन डिस्टेंस डिग्री के कोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, ओपन डिस्टेंस डिग्री कोर्सेस कई तरह के यूनिवर्सिटीज़ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 3 इयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जैसे कि डॉक्टर बीआर अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिटी कॉलेज हाईकोर्ट हैदराबाद पर अवेलेबल है, काफ़ी सारे इसके सेंटर्स हैं वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड के करीब है, वहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो जो है प्रोफेसर जी राम रेड्डी सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, आर्ट्स कॉलेज तान्ना का हैदराबाद पे, यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिग्री की डेट जो है ओपन डिस्टेंस डिग्री की कोर्स की डेट अभी तक नहीं आई है, ठीक है? तो ये डेट जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जुलाई अगस्त, कुछ नोटिफिकेशंस जो है नवंबर दिसंबर में भी आते हैं 2024 में। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आप लोग, आप लोगों को, टॉस के स्टूडेंट्स को, आप लोग डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा, आपको सिर्फ पेशेंस बहुत जरूरी है यहाँ पे, आपको पेशेंस रखना होगा। काफी सारे महीने गुजर जाएंगे लेकिन आपको डिग्री में एडमिशन के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर पढ़ना नहीं चाह रहे, अगर आप दोस्त डिग्री ऑनलाइन सर्विसेज ऑफ तेलंगाना में अभी अप्लाई नहीं करना चाह रहे, टॉस का रिजल्ट आ गया बाद फेस सेकंड में, थर्ड में आपको रेगुलर से इंटरेस्ट नहीं है, आपको रेगुलर डिग्री करना नहीं है, 3 इयर्स बीए, बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, कोई भी डिग्री का कोर्स आपको रेगुलर करना नहीं है, तो आप ओपन डिस्टेंस से कर सकते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। उसकी भी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आ जाएगी नेक्स्ट मंथ में, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी ओपन डिस्टेंस डिग्री कोर्सेस की, हम वो वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर देंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो से आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अब रही बात जो है जब तक कौन से कोर्सेस कर सकते हैं हम, अभी तक जो है डिग्री एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस लेट है, बहुत ज़्यादा जो है अभी टाइम है, तो हम कौन से कोर्सेस कर सकते हैं? आप डिप्लोमा कोर्सेस कर सकते हैं जो 3 मंथ्स के रहते हैं, 6 मंथ के रहते हैं, 1 ईयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 1 ईयर का डिप्लोमा और ITI की वैलिड ज़्यादा रहती है, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहती है। तो आप 3 मंथ 6 मंथ के कौन से भी कोर्सेस आपको जो सीखना है, जो आपको ट्रेनिंग करना है, जो स्किल आपको अंदर अपने लाना है, अपनी स्ट्रेंथ में लाना है, वो आप कोई भी कोर्सेस सीख सकते हैं। टाइपिंग स्किल हो गया, ADCA कंप्यूटर का कोर्स हो गया, टैली का कोर्स हो गया, अकाउंट्स का कोर्स हो गया,
टाइपिंग का कोर्स हो गया, ठीक है, वैसे ही डायलिसिस का कोर्स हो गया, टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, लैब टेक्नीशियन का कोर्स हो गया, नर्सिंग का कोर्स हो गया, तो जो भी आप फील्ड में अपनी जाना चाह रहे हैं, मोबाइल टेक्नीशियन हो गया, कैमरा टेक्नीशियन हो गया, एसी टेक्नीशियन हो गया, रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, ऑटो इलेक्ट्रिशियन हो गया, ऑटो मैकेनिक हो गया, ठीक है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग हो गया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, एयर टिकटिंग हो गया, तो जो भी आपकी फील्ड में आप जाना चाह रहे, जो भी आपकी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे, वो टाइम वेस्ट मत करिए। डिग्री की एडमिशन के लिए अभी टाइम होता है, तो काफ़ी सारे महीने होते हैं, उसमें आप लोग सीख लीजिए डेली 2 आवर्स जाके कोई भी जो है सेटविन से या कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट से कोर्स सीख लीजिए, आपके लिए फायदेमंद होता है यहाँ पे, ठीक है। और एक एक बात याद रख लीजिए, अगर कोई स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए है, इंटरमीडिएट कंप्लीट करके वो जल्दी बाहर जाना चाह रहे हैं, डिग्री के लिए वेट नहीं करना चाह रहे, जल्दी गल्फ जाना चाह रहे या जल्दी यहाँ पे हैदराबाद में इंडिया में जॉब करना चाह रहे, तो आप लोगों के लिए बेस्ट जो है हेल्थ सेफ्टी एंड फायर बोल के कोर्सेस है, उसमें पीजी डिप्लोमा 1 ईयर का भी कोर्स है, 2 ईयर्स का भी कोर्स है, तो ऐसे कोर्सेस करिए, 1 ईयर का मिनिमम कोर्स करिए, उसकी वैलिडिटी होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द गल्फ जो है, कहीं पर भी आप जान दो, इंडिया लेवल में, गल्फ लेवल में या कहीं पर भी, तो वहां पे अगर आप जाना चाह रहे हैं, अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, तो 1 ईयर का मिनिमम ITI या डिप्लोमा कोर्स आप जरूर करिए। हेल्थ एंड सेफ्टी के काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं, फायर एंड सेफ्टी के, ठीक है, 1 ईयर का PG डिप्लोमा होता है हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट में, ये कोर्सेज करिए, बहुत ज़्यादा इसकी मांग है, बहुत ज़्यादा इसकी अपॉर्चुनिटी है। एयर कंडीशनिंग में करिए डिप्लोमा इन एयर कंडीशनिंग, डिप्लोमा इन एयर टिकटिंग, डिप्लोमा इन हार्डवेयर नेटवर्किंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन डाटा एनालिसिस, तो ऐसे कोर्सेज करिए जिसमें ज़्यादा अभी मांग चल रही है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, तो ये कोर्सेस आपको मेडिकल फील्ड के हैं, तो मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा है, डिप्लोमा इन ECG की, डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, बहुत ज़्यादा इसकी मांग होती है, ये कोर्सेस आप करिए। अगर आप डिग्री नहीं करना चाहते तो डिप्लोमा 1 ईयर का या ITI 2 ईयर्स का कंप्लीट करके आप डायरेक्ट जो है जॉब पे जा सकते हैं। जैसे 10th के बाद पॉलिटेक्निक होता है 3 ईयर्स का, फिर पॉलिटेक्निक के बाद BTech या BE होता है 4 ईयर्स का, तो वो स्टूडेंट्स को 3 ईयर्स तक BE BTech कर सकते हैं आप लोग, 4 ईयर नहीं रहता है लोग को जो डिप्लोमा करते हैं। वैसे ही अब जो टॉस के स्टूडेंट्स हैं या रेगुलर के स्टूडेंट्स हैं, अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए है, डिग्री नहीं करना चाह रहे, 3 ईयर्स में अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो आप लोगों के लिए डिप्लोमा 1 ईयर के कोर्स बोला हूं, और ITI 2 ईयर्स का कोर्स आप कौन सा भी कर सकते हैं। ITI में मोबाइल रिपेयरिंग है, हार्डवर्किंग है, ठीक है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, एयर टिकटिंग है, मोबाइल टेक्नीशियन है, कैमरा टेक्नीशियन है, कैमरा इंस्टॉलेशन है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से सीखने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा लाभ होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है अगर आपको पूछना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़रूर दूसरे आपके जितने भी फैमिली में ये वीडियो की ज़रूरत है, उन सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो शेयर करिए, आपके दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, अपना बेहद ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।